राजेंद्र कुमार जैसे महान हस्ती भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, पर इन्होंने अपनी तरह ही अपने बेटे कुमार गौरव को भी कामयाब बनाने के लिए खूब संघर्ष किया था। एक वक्त ऐसा आया था कि जब इन्होंने अपने बेटे के लिए अपना बंगला तक गिरवी रख दिया था। पर क्या आप जानते हैं कि राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे के लिए घर गिरवी क्यों रखा था, और जिस बेटे के खातिर इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया था, इनका वो बेटा कुमार गौरव आज किस हाल में है, और क्या वो पिता की मृत्यु के बाद भली भांति अपनी जिंदगी गुजार पा रहे हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए आपको इन सभी सवाल के जवाब देते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राजेंद्र कुमार पुराने दौर के एक महान हस्ती रहे हैं, जिन्होंने कई सुपर डुपर हिट फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। वहीं इनका बेटा कुमार गौरव भी 90 के दशक के फेमस अभिनेता रहे हैं, जिन्होंने अपने पिता के सपोर्ट से घर घर पहचान पाई है। पर यह बहुत कम लोगों को पता है कि राजेंद्र कुमार कभी नहीं चाहते थे कि इनका बेटा हीरो बने, बल्कि वो चाहते थे कि इनका बेटा डायरेक्शन में आगे बढ़े। इसलिए कुमार गौरव ने अपने पिता की दी हुई एक स्क्रिप्ट पर काम किया, और बाद में मायूस होकर कुमार गौरव ने उस समय की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में लोगों को कास्ट किया था। लेकिन जैसे कुमार गौरव के मन में हीरो बनने का सपना जागा, इन्होंने अपने पापा से कहा कि मैं हीरो बनना चाहता हूं। फिर राजेंद्र कुमार ने इनसे शर्त रखी कि तुम मुझे एक स्क्रिप्ट दो जिसमें पास होने के बावजूद ही मैं तुम्हें फिल्म में लूंगा, नहीं तो तुम्हें अपना संघर्ष खुद करना पड़ेगा। कुमार को इस बार स्क्रिप्ट स्टूडियो में रखा गया था, जहां राज कपूर जैसे फिल्म मेकर सामने बैठे थे, जिनके सामने कुमार गौरव इतने नर्वस हो गए कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए। परफॉर्म करने की बात तो दूर रही थी, वहीं पिता राजेंद्र कुमार मौजूद थे, जिन्हें बेटे को इस तरह देखकर बहुत गुस्सा आया था। जिसके बाद राजेंद्र ने बेटे से कहा, 2 साल तक काम करने के बावजूद तुम अपने काम में सफल ना हो सके, अब तुम एक्टर बनने के लायक नहीं हो। जिसके बाद राजेंद्र जी ने बेटे को एक्टिंग स्कूल में भेजा, वहाँ वो 3 साल बाद एक्टिंग सीखकर लौटे। तब राजेंद्र कुमार ने बेटे के लिए लव स्टोरी एक फिल्म साइन करवाई, जो कि साल 1981 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से कुमार गौरव रातोंरात स्टार बन गए, पर शायद इनके किस्मत में कुछ और ही लिखा था, क्योंकि इस फिल्म के बाद कुमार की सभी फिल्में लगातार फ्लॉप होती रहीं। इसी कारण वो टेंशन में जा रहे थे। लेकिन कुमार गौरव जानते थे कि मेरे पिता के पास बहुत पैसा है और वो मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन राजेंद्र कुमार बेटे की फिल्म बनाने को मना कर रहे थे। पर जब कुमार गौरव की मम्मी आई तो उन्होंने एक नई फिल्म बनाने की घोषणा की, जिसके बाद राजेंद्र कुमार ने लवर्स नाम की एक फिल्म बनाई, जिसमें इतना खर्चा हुआ कि राजेंद्र को अपना बंगला तक गिरवी रखना पड़ा था। इसके बाद कुमार ने कई और फिल्में भी की, जिसमें भी इन्हें सफलता नहीं मिली, और फिर बाद में राजेंद्र का भी निधन हो गया। बता दें, आज पिया की मृत्यु के बाद कुमार गौरव एक सफल बिजनेसमैन है, जिनका मालदीव में ट्रैवल बिजनेस है और वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी है। वेल दोस्तों, क्या अब आपको कुमार गौरव में एक्टिंग का टैलेंट नजर आता है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी जबरदस्त वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।